तो ये आज देखते हैं एंशियंट से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर लायन इन आवर नेशनल एम्बलम ऑफ सारनाथ रिप्रेजेंट्स, यानी कि हमारा सारनाथ में जो नेशनल एम्बलम है उसके चार शेर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर देखते हैं, पावर, प्राइड, करेज एंड कॉन्फिडेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फोर एनिमल प्रेजेंट इन आवर नेशनल एम्बलम। हमारे नेशनल एम्बलम में जो चार जानवर हैं वो कौन कौन है, जो वो है बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। आगे देखते हैं, छतरी एट बुद्ध स्तूपा रिप्रेजेंट्स। जी हाँ, बुद्ध स्तूपा आप देखे होंगे, उसके ऊपर जो तीन छतरी होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर होगा, द थ्री छतरी रिप्रेजेंट्स त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म एंड संघ। आगे देखते हैं, मेदी, अंडा एंड वस्ती ऑफ स्तूपा रिप्रेजेंट्स। जो स्तूप के ऊपर मेदी, अंडा और यस्ती जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं, मेदी रिप्रेजेंट करता है लेग्स को, अंडा रिप्रेजेंट करता है एब्डोमेन को यानी पेट को, और यस्ती रिप्रेजेंट करता है हेड को। आगे देखते हैं, बर्थ एंड डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा बिलोंग्स टू विच जनपद। जी हाँ, तो जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था वो जनपद था कौशल, और जहाँ पे उनका जन्म मृत्यु हुआ था वो हुआ था मल्ल जनपद। आगे बढ़ते हैं, नेम द जनपद विद विच बुद्ध रिलेटेड। जी हाँ, बुद्ध कौन से जनपद से संबंध रखते थे, उसका आंसर होगा मगध, काशी, कौसाम्बी, श्रावस्ती एंड मल्ल। आगे देखते हैं, हु स्टार्टेड टू बिल्ड 84,000 स्तूपा, 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने शुरू किया था, तो वो होगा अशोका, अंडर द पॉलिसी ऑफ कालमेन ग्लैंड पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं, नेम द स्तूपा दैट वेर बिल्ड नॉट इनिशियली प्लान टू बिल्ड बाई अशोका। जी हाँ, वो कौन सा स्तूप थे जिनको इनिशियली जो 9 स्तूप बनाए गए थे उनमें वो नहीं थे, इंक्लूड नहीं किए गए थे, तो वो है बोधगया एंड सांची। आगे है, वेयर यू कैन फाइंड यक्ष एंड यक्षिणी म्यूजियम। जी हाँ, यक्ष और यक्षिणी का म्यूजियम कहाँ पाया जाता है, तो यक्षिणी का म्यूजियम आपको पाया जाता है दीदारगंज बिहार पटना में, और यक्ष का पाया जाता है ग्वालियर में। आगे, फोक देती यक्ष यक्षिणी बिलोंग्स टू विच रिलीजन। जी हाँ, आपने यक्ष यक्षिणी का नाम सुना होगा, वो किस धर्म से संबंध रखते हैं। आंसर होगा तीनों, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। आगे बढ़ते हैं, द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ मैन मेड केव बिलीव टू बी स्टार्टेड ड्यूरिंग। जी हाँ, मैन मेड केव मानव द्वारा निर्मित गुफा कब बनना शुरू हुआ था, तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। आगे बढ़ते हैं, हु स्टार्टेड टू बिल्ड केव फॉर आजीवक सेट। जी हाँ, आजीवक सेट के लिए जो गुफा का निर्माण किसने शुरू करवाया था, आंसर होगा अशोक ने। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड विच रिलीजन। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किन दो रिलीजन को मानते थे, तो वो था आजीवक सेक्ट और जैनिज्म। आगे देखते हैं, अशोका फॉलोड विच रिलीजन, अशोक ने किन धर्मों का पालन किया, तो उन्होंने आजीवक और बुद्धिज्म दोनों धर्म का पालन किया था। लामोस ऋषि केव कैन बी फाउंड एट, लामोस ऋषि केव कहाँ पाया जाता है, वो है नागार्जुना हिल्स गया, और यहीं पे आपको बाराबारी हिल्स भी पाया जाता है। चलिए आगे, पॉटरी मैनी बिलीव्स टू बी स्टार्टेड ड्यूरिंग, पॉटरी का जो निर्माण शुरू हुआ था वो कब से समझा जाता है, तो वो है ड्यूरिंग न्यूलिथिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान न्यूलिथिक पीरियड में, कि उससे पहले न्यूलिथिक पीरियड में। आगे देखते हैं, हाई क्वालिटी पॉटरी। जी हाँ, हाई क्वालिटी पॉटरी यानी पॉलिशिंग वगैरह कब पाया जाता है, तो वो होगा हाई क्वालिटी पेंटिंग, उसका नाम है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। देखिए, स्कल्पचर रीच्ड क्लाइमेक्स यानी जेनिथ ड्यूरिंग। जी हाँ, जो हमारा स्कल्पचर था इंडियन स्कल्पचर वो जेनिथ यानी क्लाइमेक्स तक कब पहुँचा, तो वो था ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अगर देखते हैं, व्हाइट मार्बल कुड बी फाउंड एट। जी हाँ, व्हाइट मार्बल आप कहाँ पाएंगे, तो ये दो जगह है, पहला तो मकराना मार्बल्स राजस्थान आपको पता है, दूसरा वेंगई नियर तेलंगाना।
गंधारा एंड मधुरा स्कल्पचर वेयर पैटर्नाइज्ड बाय, जी हाँ, गंधारा और मथुरा स्कल्पचर था उसको किसने पैटर्नाइज किया, किसने बढ़ावा दिया, वो था कुषाण ने। अमरावती स्कल्पचर्स वेयर पैटर्नाइज्ड बाय, अमरावती स्कल्पचर को किसने बढ़ावा दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, तो वो होगा सतवाना एंड इच्छावाकु ने। आपको बताते चले कि इच्छावाकु जो है वो राम के, भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं। द ओनली स्कल्पचर्स वेयर आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, जी हाँ, वो कौन सा स्कल्पचर है जिसमें कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस पाया जाता है, तो वो है गंधारा। इसी को कहते हैं ग्रीको रोमन स्कल्पचर। आगे देखते हैं, नेम द स्कल्पचर्स वेयर थ्री रिलीजन कैन बी फाउंड, जी हाँ, वो कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जहाँ के तीनों रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का छाप मिलता है, तो वो है मथुरा। आगे देखते हैं, बुद्धा स्कल्पचर डेमोलिश्ड बाय तालिबान ग्रुप बिलोंग टू, जी हाँ, वो कौन से स्कल्पचर ग्रुप से डिपेंड करता है, जो बुद्धा का स्कल्पचर था बोमियान स्कल्पचर, वो होगा बिलोंग्स टू गंधारा स्कल्पचर, जी हाँ। आगे देखते हैं, विच स्कल्पचर वे आर बेस्ड ऑन जातक कथा, जातक कथा पर कौन सा स्कल्पचर बेस्ड था, वो है अमरावती स्कल्पचर। आगे बढ़ते हैं, वर्शिप ऑफ मानुषी बुद्धा, दैट मीन्स आइडल वर्शिप स्टार्टेड ड्यूरिंग, मानुषी बुद्धा यानी कि आइडल वर्शिप कब स्टार्ट हुआ था, वो है पोस्ट मौर्य पीरियड। आगे बढ़ते हैं, डुअल प्रदक्षिणा पथ यानी कि जो सेकेंड प्रदक्षिणा पथ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, वो किया गया पोस्ट मौर्यन पीरियड में। आइए देखते हैं, नेम द ओनली स्तूपा वेयर रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर केप्ट इन जार यानी कलश में रखा गया है, तो इसको आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह जुड़े रहिए ताकि ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को मैं आगे भी लेते आऊँगा। तब तक धन्यवाद।